भाई हम अगर भारत माता की जय बोल सकते हैं, हम वंदे मातरम के नारे भी लगा सकते हैं, तो भाई जो लोग लगा नहीं सकते उसे देश में रहना निकाल नहीं। अपने हर गेम के पीछे लक्ष्यों पर खड़ा रहा हो, इधर भी एक लाठी जरूर होनी चाहिए। गद्दारी का इलाज मैं तो कहता हूँ भैया जनता को इधर लेना चाहिए ऐसा इलाज। अगर कोई किसी भी समाज का व्यक्ति देश के प्रति गलत करता है तो उसकी खोपड़ी का इलाज कर देना चाहिए। ये बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी हैं। अपने विवादित बयानों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। विक्रम सैनी एक कार्यक्रम में लोगों से कह रहे हैं कि अपनी जान की व्यवस्था के लिए कुछ ना किया तो मरोगे, इसलिए सब अपने घर के हर गेट के पीछे एक एक लठ रखो ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सको, सरकार के भरोसे न बैठो, खुद अपनी सुरक्षा करो। और अपने जान की रक्षा के व्यवस्था के लिए कुछ काम ना किया तो भी मरोगे। अपने हर गेट के पीछे लक्ष्यों पर खड़ा रहा हो, हर गेट जितने गेट है इधर भी एक लाठी जरूर होनी चाहिए। अरे कुत्ता आता सांप आता सब रूम आ तो लेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। खाली हाथ खेत में खाली हाथ पहले जाते थे कंधे में चादर और हाथ में लड़ने में जाते थे। मैं तो अभी ऐसे ही रहूं, मैं खाली रहता ही, मेरी गाड़ी में चार भाग करके डंडे हमेशा रहे। कहाँ जरूरत पड़ गया जान बचाने की, जब तक पुलिस आ गई जब तक ढूंढ पीट कर फिट हो जाएंगे। अपनी सुरक्षा खुद करनी हिंदू समाज को सीखनी चाहिए। विक्रम सैनी आगे कहते हैं कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है, और किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अगर देश में गलत काम करे तो उसे ठोक देना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा। भाग एक काल के लिए पर हमें प्रधानमंत्री आवास घेर लेना चाहिए था, हमें राष्ट्रपति का घेर लेना चाहिए था। अरे ऐसा प्रयास किया तो फिर गोली चलेगी। आपका मोदी जी खाली रखेंगे पुलिस को, आपका राइफल होगी हाथों में लठ होंगे, जरा करके देखना। किसी नाम के ऊपर आप गलत आप देशद्रोह करोगे, आप देश के साथ गद्दारी करोगे। गद्दारी का इलाज मैं तो कहता हूँ भैया जनता को इधर लेना चाहिए ऐसा इलाज। आप सरकार के भरोसे में रहो, सरकार तो वोट के लिए भी थोड़ा सा उसे सोचना पड़ेगा। यार कलकट बजा के अगर वोट गई इसका समाज नाराज हो जाएगा। भाई समाज की कोई गलती नहीं ना समाज खराब कर सकता। अगर कोई किसी भी समाज का व्यक्ति देश के प्रति गलत करता है तो उसकी खोपड़ी का इलाज कर देना चाहिए, ठोक देना चाहिए उसे, तब देश बचेगा। विक्रम सैनी इसी मंच से देश की विपक्षी पार्टियों पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां देश में दंगा भड़काना चाहती हैं। ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि भारत में भी दंगा कराने की योजना है, जो विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जो दूसरे देश हैं वे यहां दंगा भड़काना चाहते हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं। तो मैं तो हिंदू समाज को पूरा आह्वान करना चाहता हूँ, भाई मजबूती के साथ रहो, दुकान पर लट्ठी नहीं मिलती। मैंने अपने गांव में फावड़े के डंडे मार दिए थे सारे दुकानदारों, एक आतंक था एक साला कसाई था गुंडा था मार पिटाई करता था, मैंने सबको लट्ठी फावड़े के डंडे, जो सब्जी वाले थे सब्जी बेचने वाले उन्हें फावड़े के डंडे, और जब मैंने सारे में बेबात में भिड़ जाओ उससे और ठोक दो, ऐसे ऐसे समाज का भला हो। क्यों जो भाषण आदरणीय फलाने जी ढिकड़े जी, अरे भाषण भाषण में क्या रखा, बहुत राशन दे दिया, जिनको राशन योगी मोदी ने दिया वही दंगा कर रहे, वही गुंडागर्दी कर रहे। जो बांग्लादेश को हमने हमारे भारत में अलग स्वतंत्र देश बनाया था वो याद दिखा रहा, वो हिंदू को मार रहा, भूखा मर जा रहा, जब पाकिस्तान मर रहा, सारा राशन बांग्लादेश में, चाहे चीनी हो कोई और चीज हो फैक्ट्रियां हो भारत से ही जाती थी, अब ले ले झुनझुना। बताया जा रहा है कि खतौली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा खतौली में एक बैंक्वेट हॉल में रविवार को मेजर ध्यानचंद जयंती के दौरान सूर्यवंशी सैनी युवा समिति के द्वारा
युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में विक्रम सैनी का दिया भाषण अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।